दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे, कई सारे डिवाइस के अंदर आपको जो डायलर होता है वो गूगल का ही मिल रहा है। तो इससे क्या होता है ना, आपको जो मेजर फीचर्स है आप नहीं मिल पाता। डायलर का जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप यूज करते हो, ज्यादातर आपको पता है कि कैसे कैसे क्या डिटेल्स बनाना होता है। बट यहाँ पर गूगल का जो डायलर आता है उससे हमें बड़ा दिक्कत क्रिएट होता है, जो कि आप गूगल डायलर के साथ ही साथ आपको MIUI का भी कुछ फीचर्स आप इसके अंदर देखने को मिल सकता है, आप यूज भी कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में यही बताते हैं कि कैसे कैसे आप अपने फोन के अंदर सेटअप बना सकते हो। वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना। दोस्तों, सबसे पहले जैसे गूगल डायलर में टाइप किया, गूगल डायलर ही है, सिर्फ थीम चेंज है, सिंपल टाइप किया तो इस टाइप का इंटरफेस आता है। सिंपल आपको यहाँ 3 डॉट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। ये अगर पहले MIUI के अंदर होते तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलता था, बट यहाँ पर गूगल का आने के बाद हमें कुछ फीचर्स जो है मिसिंग हो गया है। कुछ क्या, बहुत सारे फीचर्स मिसिंग हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर आईडी एंड स्पैम ऑप्शन आता है, तो इसके अंदर ये जो 3-4 चीजें आप इसको सब इनेबल करके रखना तो आपका जो कॉलिंग फीचर्स, जो कॉलिंग, जो कॉल करने का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहेगा। असिस्टेड डायलिंग, तो ये फीचर्स आपको इनेबल करके रखना। डिफॉल्ट होम कंट्री जो है, हम जो रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया को ये डायरेक्ट डिटेक्ट करता है। अगर आपको बिना +91 रख के अगर डायलिंग करोगे फिर भी यह बढ़िया से कहीं भी कॉल हो जाता है। ब्लॉक नंबर फीचर से आप कौन से नंबर को ब्लॉक करना है, यहाँ टैप करके 8 नंबर करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलिंग अकाउंट फीचर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कॉल एंड सिम कार्ड नेटवर्क, यहीं से डायरेक्ट आप शिफ्ट कर जाते हो तो आपका फीचर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कॉल वेटिंग फीचर्स आपको यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा, और कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग भी आपको वॉइस और वीडियो भी सेटअप है, ये सारे फीचर्स है। इनकमिंग कॉल सेटिंग में आपको यहाँ पर ये 4-5 चीज मैंने ऑफ कर रखा हुआ है, मैं इसको इनेबल करता हूँ ताकि आपको और भी बढ़िया फीचर्स आएगा। जैसे कॉल आएगा तो सिंगल टैप करेंगे तो ऐसे क्लिक करते ही ऑफ हो जाएगा, और क्विट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, अगर फोन घंटी बज रहा है, अगर मैं फोन को उठा लिया तो ऑटोमेटिक उसका जो रिंग है वो ऑफ हो जाएगा। ये काफी अच्छी फीचर्स है, मैं इसको ऑफ करके रखा था, आपको दिखा दिया। रिंग वॉल्यूम विल इंक्रीज वॉल्यूम, अगर इसको क्लिक करिए जैसे स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, काफी बढ़िया। और फ्लैश व्हेन रिंगिंग, अगर कॉल होता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो फ्लैश लाइट है ये जलने लगेगा, ये काफी ठीक है, बट इसको मैं यूज नहीं करूंगा, मुझे बेकार लगता है, ठीक है। इसके बाद आपको और फीचर्स आता है ऑटो आंसर का। ऑटो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो कितने टाइम के बाद ऑटोमेटिक आंसर आ जाए, ये फीचर्स भी आप चेक कर सकते हो। और बाकी आप देख सकते हो जो भी आप सेटअप ऑलवेज हेडसेट में, ब्लूटूथ में, और हेडसेट और ब्लूटूथ, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वाला फीचर्स और इनेबल करोगे तो ऑटो आंसर वहाँ पे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये अपने हिसाब से चेकआउट हो जाता है। एडवांस सेटिंग्स अंदर जाएंगे तो इसके अंदर और भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये जो फीचर सिर्फ आपको निकाल के ला रहा है जो कि MIUI रेडमी के डिवाइस के अंदर, तो और दूसरे किसी कंपनी के अगर आपको गूगल डायलर में जाओगे तो इतने सारे फीचर्स मिलेगा नहीं। जैसे आपको मैं बता दूं तो जैसे मेरे पास MIUI 3 है, ये एंड्रॉइड 1 डिवाइस है, उसके अंदर इतने सारे फीचर्स है ही नहीं। सिंपल आपको मिस कॉल रिमाइंडर फीचर्स आ जाता है, वाइब्रेशन वॉल कॉल लाइट डिटेल अब रहता है, तो वाइब्रेशन आएगा यानी कॉलिंग के टाइम वाइब्रेशन होना, और कॉल वेटिंग नोटिफिकेशन आपको पॉपअप होना, क्विक रिस्पॉन्स के अंदर आप ये सब यहाँ पे टाइप कर सकते हो। कुछ नया फीचर जैसे कॉल आया आप सिंगल टैप करिए, उनके पास मैसेज चला गया कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, या मैं अभी बिजी हूँ, मैं जब फ्री हूँ आपको कॉल करूंगा, वो सारे फीचर्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। कॉल बेयरिंग फीचर्स भी है, और ये डिटेल्स जो है कॉलर आईडी ये जो भी है आप इसको सब इनेबल कर सकते हो, इससे क्या होगा आपके कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रह जाएगा। फिक्स डायलिंग सेटअप है, अगर आपको फिक्स डायलर करते हो, सिंपल आपके पास कुछ नंबर ऐसे रहेंगे, सिंगल टाइप करते हैं ऑटोमेटिक वो डायलिंग होने लगेंगे, पहले के फोन में ज्यादातर ऐसे हमें देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर एडवांस खत्म हो गया, और मैं थोड़ा सा बैक कर जाऊँ, और भी फीचर्स है यहाँ पर आपको कॉलिंग अकाउंट हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स आप इसके अंदर देखने को मिलता है। मैं बात बता दूँ कि MIUI के अंदर आपको रिकॉर्डिंग फीचर्स बहुत अलग एक्सपीरियंस होता था, बट ये जो गूगल डायलर आने के बाद आपको दिक्कत क्रिएट हो रहा होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन है वजह कि वो चिल्लाता है, जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग पे टैप करोगे वो बोलने लगेगा और सामने वाले को भी सुनाई देता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ पर टाइप करते हैं जो कि कॉल रिकॉर्डिंग नेवर,
डिलीट होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेक्टेड नंबर कर सकते हो कि यही पर्टिकुलर नंबर को कॉल रिकॉर्डिंग होगा। जो भी आप यहाँ पे इनेबल करके नंबर ऑलवेज रिकॉर्ड करोगे तो जो नंबर आप सिलेक्ट कर दोगे उसके अंदर उन्हीं को इसे रिकॉर्डिंग होता रहेगा। डिस्प्ले ऑप्शन आ जाता है, डिस्प्ले ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो ये शॉर्ट थीम नेम वगैरह, नेम फॉर्मेट चूज, थीम जो है डार्क लाइट जो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला फीचर्स जो आता है नियर प्लेस जो ऑप्शन आता है, सिंगल टैप करिए और पर्सनल सर्च रिजल्ट जो है आपके आसपास में जो है आपके ईमेल एड्रेस के साथ वो सर्च करने लगेगा, नियर बाय प्लेस यहाँ पर सेटिंग हो जाता है। और बात करते हैं कि इसके अंदर ऑप्शन आता है क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स जो आप अपने हिसाब से मैं बता दिया, बैक साइड में जाकर चेक करके जो जो मैसेज आप दे सकते हो। साउंड वाइब्रेशन डायरेक्ट यहीं से आपको साउंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में ले जाता है, वहां पर आप अपने कॉलिंग सेटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। किस टाइप का आपको रिंगटोन रखना है, अलार्म टोन रखना है, नोटिफिकेशन रखना है, जो भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। कॉल आईडी अनाउंसमेंट भी फीचर्स है, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो जो भी कॉल आएगा वो अनाउंस हो जाएगा उसका नाम पहले ही, ये काफी ठीक है। क्रिप्टो साइलेंस यहाँ पे ऑफ है तो मैं इसको इनेबल कर दिया। तो दोस्तों ये था कुछ फीचर, तो भाई कमाल का है। तो चलिए बस ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अनबंदे मातरम।